नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऐसी गलतियों की जो कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में बिगनर्स जो होते हैं वो करते हैं। दोस्तों देखिए, गलती करना स्वाभाविक है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि टू एयर इज ह्यूमन, पर उस गलती को रिपीट ना करना, उस गलती को दोहराना नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दोस्तों ये जो गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने भी की हुई हैं और ये मेरा प्रैक्टिकल और पर्सनल एक्सपीरियंस है जो गलतियाँ मैं आपको आज के इस वीडियो में आने जा रहा हूं। पर दोस्तों यहां पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो सोच है उसके अंदर एक ठहराव होना चाहिए, उसके अंदर एक परिपक्वता होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई ये तो बहुत फिलोसफिकल सी बात है, पर दोस्तों ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपकी सोच में ठहराव बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन बेचैन रहेगा, भटकता रहेगा, तो आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा सकते। और दोस्तों जो गलतियाँ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उनके बारे में मैंने कभी भी अपने वीडियोज़ में चर्चा नहीं करी, या कभी एक आधी गलती के बारे में मैंने आपको हिंट किया होगा। तो जो भी 10 गलतियाँ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन गलतियों से आप कुछ सीखें और इन गलतियों को आप ना दोहराएं ताकि आपको नुकसान ना हो स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि स्टॉक मार्केट में गलती का मतलब पैसों का नुकसान, इसलिए आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपके साथ अपनी गलतियां शेयर करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको नुकसान ना हो स्टॉक मार्केट में और वो गलतियां आप ना दोहराएं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आइए चलते हैं गलती नंबर एक पे, और दोस्तों वो गलती है जो कि बिगनर्स भी करते हैं और जो मंझे हुए खिलाड़ी भी करते हैं। हम लोग हमेशा एक परफेक्ट सेटअप के तलाश में रहते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में कुछ एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए ताकि हमारा जो ट्रेड हो वो परफेक्ट हो। दोस्तों परफेक्ट सेटअप की तलाश एक सच्चे प्यार की तलाश की तरह है। कुछ समय पहले मैं एक हीरोइन का एक इंटरव्यू देख रहा था। ये 70 और 80 के दशक की नामचीन हीरोइन है। उन्होंने 5 या 6 शादियां करी, पर उसके बावजूद वो अपने इंटरव्यू में कह रही थी कि भाई मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। दोस्तों परफेक्ट सेटअप स्टॉक मार्केट में एक सच्चे प्यार की तरह है, जिसकी तलाश तो आपकी जारी रहेगी सारी ज़िंदगी, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे इस हीरोइन ने कहा कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, तो वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं, सच कह रही हैं। 60-70 साल की उम्र के अंदर वो ये बोल रही हैं कि 5-6 शादियों के बाद भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट में, जब आप परफेक्ट सेटअप की तलाश में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आपको परफेक्ट सेटअप कभी भी नहीं मिलेगा। मैं आपको अपने वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि परफेक्ट सेटअप नहीं होता, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। आपको एक ऐसा सेटअप फाइंड आउट करना है जहाँ पर आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा हो। अब दोस्तों बिगनर्स क्या होते हैं कि उनको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा परफेक्ट सेटअप है, उनको ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि आपके हाथ में कोई अलादीन का चिराग लगेगा जिसको घिसते ही आपको स्टॉक मार्केट में मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आपको परफेक्ट सेटअप कभी भी नहीं मिलेगा। आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको फाइंड आउट करना है ताकि उसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में मुनाफा हो सके। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि जो बिगनर्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत फैसिनेट होते हैं जो स्टॉक मार्केट के गुरुज हैं उनके पोर्टफोलियो से, तो वो उसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि 4 या 5 रोल मॉडल्स हैं जिनके पोर्टफोलियो को हर कोई जानना चाहता है, हर कोई रेप्लिकेट करना चाहता है। पर दोस्तों मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, इन लोगों के पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में है। आप रेप्लिकेट भी कर लीजिए लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको एक डेडिकेटेड एक वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में मैं अपने पहले वाले वीडियोस में चर्चा भी कर चुका हूँ कि आप क्यों नहीं कमा सकते अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट गुरुज के पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट भी कर लेंगे। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं दोस्तों, इसलिए आप अगर बिगनर हैं स्टॉक मार्केट में तो किसी के पोर्टफोलियो के पीछे मत भागिए कि ये जो मार्केट गुरु है ये कौन सा स्टॉक खरीद रहा है, कौन सा बेच रहा है। अपनी जानकारी के लिए आप नज़र रखिए कि कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, पर वहां पे अगर आप उनका पोर्टफोलियो रेप्लिकेट करके मार्केट में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वैसा
कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक और कारण भी है। उसके पीछे ये कारण है कि आपको केवल सफलता की स्टोरी बताई जाती है। ये जो बड़े बड़े मार्केट गुरु हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, इन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं स्टॉक मार्केट में जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर ये जो विफलता की कहानियाँ हैं ये कभी भी बाहर नहीं आती, केवल सफलता की कहानियाँ बाहर आती हैं, क्योंकि मार्केट को कुछ रोल मॉडल्स दिखाने हैं कि भाई ये हमारे रोल मॉडल हैं। वो दोस्तों एक मार्केटिंग का तरीका होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हों। जैसे अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे, आप सुपरस्टार्स को देखते हैं, वहाँ पे आप सक्सेस को देखते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे नौजवान जो हैं वो बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर वहाँ पे जो विफलता की कहानियाँ हैं, जो विफलता की स्टोरीज़ हैं, वो आपको नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर वो बता दी जाएंगी तो शायद आप उस फील्ड के अंदर ना जाएं। मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, पर मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है, यही भाव है या यही सार है कि जो भी स्टॉक मार्केट के सो कॉल्ड गुरुज हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके पोर्टफोलियो के पीछे ना भागें। आप उसको रेप्लिकेट भी कर लेंगे दोस्तों, तब भी आपको वहाँ पर मुनाफा नहीं होगा। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और ये गलती मैं भी कर चुका हूँ अपने शुरुआती दिनों में। लेकिन दोस्तों बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है और किस वजह से मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो ये बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के गुरुज या एक्सपर्ट्स हैं, उनके कोट्स को कोट करके या किसी जुमले के सहारे, कथा, कहानी, प्रवचन, इनकी सहायता से आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, मुनाफा नहीं कमा सकते। दोस्तों क्या होता है कि हम इन कहानियों को सुन के काफ़ी फैसिनेट हो जाते हैं, हमें इस तरह की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। बचपन में हमारी नानी दादी हमें इस तरह की कहानियाँ सुनाती थी जिससे हम मोटिवेट होते थे। उसके बाद जब हम छोटे थे तो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हमें इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी बीवी, आपका हस्बैंड आपको कहानियाँ सुनाएंगे। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे। तो दोस्तों हमें कहानी सुनने की आदत बचपन से डाली जाती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कहानियाँ ही सुनते रहते हैं, तो हमें इस तरह की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों ये कहानियाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए अच्छी हैं, पर इन कहानियों को सुन के, इन कथा प्रवचनों को सुन के आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा सकते। उसके लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए, कुछ तजुर्बा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं इन कहानियों को सुन के काफ़ी फैसिनेट हूँ, क्योंकि मुझे आदत है इस तरह की कहानियाँ सुनने की। पर दोस्तों आप सावधान रहिए, ये कहानियाँ सिर्फ मार्केटिंग के लिए आपको सुनाई जाती हैं, इनको आप इग्नोर करिए। उस कथा, उस कहानी, उस प्रवचन, उस कोट के पीछे क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टांसिस थे, वो हम सब नहीं जानते। हो सकता है काफ़ी दर्शक मुझसे इस बात पर सहमत ना हो, पर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन सब से आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, इससे आपको मुनाफा नहीं होगा। ये कहानियाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप सुनिए, उससे मोटिवेट होइए, पर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ और स्किल सेट्स की ज़रूरत है जो आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। दोस्तों एक चौथा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो होता है कि, तो यहाँ काफ़ी बिगनर्स के कमेंट्स आते हैं कि मैं बिल्कुल लो पे बाय करना चाहता हूँ और हाई पे सेल करना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये भी आपको बताया जाता है कि बाय लो सेल हाई, पर दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोएस्ट पॉइंट पे खरीदेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे बेचेंगे। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बाय नियर लो एंड सेल नियर हाई, मतलब लो के नज़दीक खरीदिए और हाई के नज़दीक बेचिए। वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए। इसको भी फाइंड आउट करने के तरीके हैं कि लो कब हुआ है, हाई कब हुआ है, वो मैं आपको अपने वीडियोस के द्वारा शेयर करता रहता हूँ कि आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे रिवर्सल होगा, किस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है, किस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले वीडियोस में भी मैंने आपके साथ ये सब बातें शेयर की हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइंस के द्वारा और कई तरीके हैं जिनकी सहायता से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस या कहाँ पे लो है, कहाँ पे हाई है, ये सब चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे आप खरीदेंगे और आप बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे आप बेचेंगे। इसलिए आप जो आपको बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट के गुरु आपको बोलते हैं कि बाय लो सेल हाई, वहां पे इस लाइन को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कि बाय नियर लो एंड सेल नियर
हाय दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, आपको कॉल्स दी जाती हैं काफ़ी जगह पे। आपको कॉल्स देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स के ऊपर, या आपको टीवी के ऊपर भी, जहाँ पे आपको कहा जाएगा श्योर शॉट कॉल है, आप हमारा ये वाला चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये शो देखिए, इस स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को सुनिए, श्योर शॉट कॉल है, ऐसा होगा ही होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी कॉल श्योर शॉट नहीं होती। मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, इन सब चक्रों में मत फंसिए। वहाँ पे हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स को एग्जिट कराया जा रहा हो। आप क्योंकि नए हैं स्टॉक मार्केट में, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे शुरुआत में। आपको इन सब चीज़ों को समझने में समय लगेगा। हम काफ़ी फैसिनेट हो जाते हैं कि अगर कोई मान लीजिए बड़ा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बोले कि ये श्योर शॉट कॉल है, हमें लगेगा कि हाँ ऐसा तो होगा ही होगा, और हम उस स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल के ऊपर भी कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं, काफ़ी जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, इन सब कॉल्स के अंदर फंस चुके हैं। तो आप इन कॉल्स को इग्नोर करिए, इनको ज्यादा भाव मत दीजिए। सिर्फ अपनी नॉलेज की पर्पस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए, पर इनके ऊपर कोई एक्शन मत लीजिए जब तक आपके अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं जनरेट होता। तो दोस्तों, ये श्योर शॉट कॉल जो है, या 100% प्रॉफिट दिलाने का आपको जो झांसा दिया जाता है, ये सिर्फ नए लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, ताकि आप उनके चंगुल में फंस जाएं। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं कि ये श्योर शॉट कॉल्स कैसे काम करती हैं, जो स्टॉक टिप्स हैं वो फेक टिप्स कैसे काम करती हैं, उनकी मॉड्यूस ऑपरेंडी क्या होती है, तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने विस्तार से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे छठे नंबर का पॉइंट है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, आपके पास एक बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। आप बेसिक चीज़ों को, आपको उनको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करिए। अगर आपको दोस्तों बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट की बजाय म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर ये सब काम आपके लिए करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नुकसान उठाने के बाद ये रियलाइज करेंगे कि मैंने तो ये सारी जो ब्लाइंड कॉल्स ली थी, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट को जुआ घर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ब्लाइंड कॉल्स लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी नॉलेज के। तो यहाँ पे जो भी बिगनर्स हैं, उनको मेरा एक अनुरोध है कि आप पहले स्टॉक मार्केट को समझिए, यहाँ काम कैसे होता है, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल जानिए कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। ये सब चीजें जानने के बाद, समझने के बाद कि स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करिए। केवल इसलिए मत एंटर करिए कि बाकी सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। आप कमाइए, जरूर कमाइए, लेकिन सोच समझ के ही निवेश करिए। दोस्तों, यहाँ पे सातवां पॉइंट आता है कि जो मार्केटिंग की जाती है, बहुत सारी सर्विसेज की मार्केटिंग की जाएगी, आपको सिखाने के लिए कोर्सेज की मार्केटिंग की जाएगी, टिप्स के लिए मार्केटिंग की जाएगी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, आपको सपने दिखाए जाते हैं। जैसे दोस्तों, हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भैया आपकी एक बार 10th पास हो गई ना तो आपकी लाइफ सेट है। 10th भी पास होगी अच्छे नंबर से, फिर कहा कि 12th पास हो जाएगी अच्छे नंबर से तो आपकी लाइफ सेट है। 12th भी पास होगी, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लाइफ सेट है, वो भी हो गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। फिर आपको कहा कि भाई आपकी अच्छी जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सेट है, वो भी हो गया, अच्छी जॉब भी लग गई। फिर आपको कहा कि एक बार आपकी शादी होगी तो आपकी लाइफ सेट है, दोस्तों शादी भी होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको सपने दिखाए गए थे कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, पर क्या दोस्तों आपकी लाइफ सेट हुई? आप देखेंगे कि लोग 70-80 साल तक के बुज़ुर्ग लोग भी कहते हैं कि यार हमारी लाइफ अभी भी सेट नहीं है। लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो लाइफ कभी सेट नहीं होती। केवल आपको सपने दिखाए जाते हैं ताकि आप वो माइलस्टोन्स के लिए काम करें या उस पर्टिकुलर काम को करके दिखाएं। उसी तरीके से दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट में कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है वो सिखा सकता हूं, आपको महीने में केवल एक घंटा स्पेंड करना है और आप करोड़पति बन सकते हैं, दोस्तों ये सब आपको सपने दिखाए जाते हैं, आपको सब्जबाग दिखाए जाते हैं, आप इनके झांसे में मत आइए। क्योंकि आपको ऐसा दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना एक बच्चों का खेल है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे पैसा कमाना बहुत आसान है, तब तक आप वहाँ एंटर नहीं करेंगे, आप उनकी सर्विसेज नहीं लेंगे,
आप उनसे सीखेंगे नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये तो बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, आप यूँ चुटकियों में सीख जाएंगे, तभी आप उस झांसे में आएंगे, तभी आप उन सर्विसेज को पे करके खरीदेंगे या उन सर्विसेज को अवेल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मार्केटिंग का तरीका है जिससे आपको फंसाया जाता है। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल है दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल होता तो यहाँ पे 10 में से 9 निवेशक पैसा लूज नहीं करते, यहाँ पे 10 में से 9 निवेशक पैसा कमाते। अगर 10 में से 9 निवेशक पैसा कमा रहे होते तब मैं मान लेता कि हाँ ये बच्चों का खेल है स्टॉक मार्केट। काफ़ी दर्शक मुझे कमेंट के द्वारा भी कहते हैं कि आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं, इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, क्या ये सब जानना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ काम कैसे होता है, तभी आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा दूंगा और उसके बाद आप करोड़पति हो जाएंगे, दोस्तों आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। आप अपने पैसे को ऐसे व्यर्थ मत करिए, आप अच्छे सोर्सेज से सीखिए, ठीक से सीखिए और सोच समझ के किसी निर्णय को लीजिए, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। और दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मार्केटिंग की जाती है, ये नॉर्मली बिगनर्स के ऊपर ही की जाती है, क्योंकि उनको झांसे में लेना बहुत आसान होता है। जो लोग नए नए आते हैं उनको लगता है कि भाई मैं ये 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का कोर्स करके मैं तो फिर करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्टॉक मार्केट को समझना कॉम्प्लेक्स है, आप खुद समझिए, खुद सीखिए। दोस्तों आपको कोई भी एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर या महीने में 2-3 घंटे स्पेंड करके मल्टीबैगर फाइंड आउट करना या आपको स्टॉक मार्केट में कैसे करोड़ों कमाए जाते हैं वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। ये केवल कोरे झूठे वादे हैं, सपने दिखाना है और वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिगनर्स ही उनके झांसे में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर का पॉइंट है, काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि कोई हमें बेस्ट बुक्स बताइए स्टॉक मार्केट की। दोस्तों उनको मेरा यही जवाब है कि आप कोई भी बुक ले लीजिए स्टॉक मार्केट की। अगर कोई रीसेंट लिखी हुई बुक है जो कि करंट कॉन्टेक्स्ट में है, वो हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं या जो पॉपुलर बुक्स हैं वो 1990 में लिखी गई हैं या 2000 के दशक में लिखी गई हैं, दोस्तों उन बुक्स का आज कोई रेलेवेंट नहीं है। और मोस्टली जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉरेन ऑथर्स की बुक जो है मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। और जो इंडियन ऑथर्स की बुक है दोस्तों, मैं वहां किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप एक बुक खुद पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई इससे ज्यादा तो हमें ही पता था। तो दोस्तों यहां पे बुक जो है, मैं ये नहीं कह रहा आप बुक्स मत पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, वहां पे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसकी नॉलेज गेन करने के लिए आप बुक को पढ़िए। आप बुक्स की सहायता से ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, आप केवल वहां पे उसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उसकी नॉलेज सीख सकते हैं, लेकिन जो आपको प्रैक्टिकली जब ट्रेडिंग करनी है वो आपको एक अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको अलग तरह का स्किल सेट चाहिए जो कि आपको बुक्स के अंदर नहीं सिखाया। हो सकता है जो उन बुक्स में लिखा है वो उस समय जब लिखी गई थी तब रेलेवेंट था, पर वो आज के डेट में रेलेवेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो स्कूल में हमें जो सिखाया गया था, मेरे एक मित्र, मैं उनके साथ डिनर पे कुछ समय पहले गया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई हमने स्कूल में जो सीखा था उसमें से 95% या 96% तो आज काम ही नहीं आता। तो दोस्तों यही स्टॉक मार्केट के अंदर है, जो बुक्स में सिखाया जाता है वो आपके कॉन्सेप्ट या नॉलेज को बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में या ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। पर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट या नॉलेज को जानना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट और नॉलेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको एक बताया था कि बेस्ट बुक कौन सी है जो डबल टॉप या डबल बॉटम के पैटर्न्स को समझने के लिए, आपने वहाँ पे उसको समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, आपने वहाँ पे पढ़ा कि ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या, और वहाँ पे आपने उसकी नॉलेज गेन करी। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, वो टोटली अलग होगा उस कॉन्सेप्ट से या नॉलेज से। पर जब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मुझे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं तो मैं उसको प्रैक्टिकली कैसे समझूंगा, कैसे उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तो दोस्तों यहां पे बुक्स ज़रूरी हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, नॉलेज के लिए, लेकिन वहाँ पे उस बुक्स के कुछ पोर्शंस जो हैं वो रेलेवेंट होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पे। और जब भी आप कोई बुक पढ़ें, सीधा उस बुक को पढ़ के आप ट्रेडिंग में मत कूद जाइए, आप उसके कॉन्सेप्ट और नॉलेज को गेन करिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। या मैं अपने वीडियोज़ के द्वारा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 9वें नंबर का पॉइंट है कि जो भी बिगनर्स होते हैं वो न्यूज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। और दोस्तों न्यूज़ के बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट गुरुज एक्सपर्ट्स आ जाएंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर में या वेबसाइट्स के ऊपर, जो आपको बताएंगे अरे भाई ये स्टॉक को मुनाफा होगा, ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बहुत फैसिनेटिंग से टाइटल आपको दिखाए जाएंगे कि तीन ऐसे स्टॉक्स जो कि अगले एक साल में तीन गुना हो जाएंगे। अरे भैया आप हमें बता रहे हो आप खुद आपने खरीदे या नहीं खरीदे पहले ये बताओ। दोस्तों आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आपको रीकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स का एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों जिस दिन रीकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स की न्यूज आई थी, सभी बैंक्स के जो स्टॉक्स थे 15-20% या 30-40% तक ऊपर गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिगनर्स होते हैं वो फैसिनेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे निवेश करना ठीक है और आगे आने वाले समय में ये स्टॉक्स और ऊपर जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए, उस दिन क्या था प्राइस और आज क्या है उनका प्राइस, अगर आपने उस दिन निवेश किया होता। क्योंकि इस चक्कर में काफ़ी बिगनर्स फंस गए थे, उन्होंने कमेंट करके मुझे पूछा कि भाई हम अब इस लेवल के ऊपर हमने एंटर किया है, अब ये स्टॉक 15-20% नीचे आ चुका है, अब हम क्या करें, एग्जिट करें या इसको होल्ड करके रखें। दोस्तों न्यूज़ के बेसिस के ऊपर मत ट्रेड करिए। और नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस झांसे में फंस जाते हैं। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं दोस्तों वो आपको ट्रैप कर लेते हैं। इसलिए आप कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है निवेश की उसको न्यूज़ के बेसिस के ऊपर मत चेंज करिए। यही पॉइंट नंबर 9 है। आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स के ऊपर आप बुलिश हैं, जिसको आपने रिसर्च करके फाइंड आउट किया है, केवल उन्हीं सेक्टर्स में निवेश करिए। न्यूज़ आती रहेंगी, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता रहेगा, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करिए। स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे एक लंबी रेस के घोड़े हैं, ना कि आप आ जाए और कल आप एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी न्यूज़ के हिसाब से मत चेंज करिए। न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग जो है इंट्राडे के लिए हो सकता है ठीक हो, पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, वहाँ पर न्यूज़ से आप इम्पैक्ट मत होइए। वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर आपका स्टॉक का सिलेक्शन सही है, आपका सेक्टर का सिलेक्शन सही है, तो वहां पे आपके निवेश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूज के बेसिस के ऊपर अपनी जो स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है, उसको बिल्कुल भी चेंज मत करिए। दोस्तों यहाँ पे 10वां और आखिरी पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस जीवन में सारे काम कर सकें। हो सकता है कुछ काम हम कर सकते हैं, कुछ काम हम नहीं कर सकते, कुछ काम हम ट्राई करते हैं लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। शायद हमें ट्राई करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए, हमें उसके पीछे लगना नहीं चाहिए या हमें उसके पीछे पैशनेट नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें, वहाँ पर अगर आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, मान लीजिए मैं 2,00,000 रुपए लेके आ रहा हूं स्टॉक मार्केट में एज ए बिगनर, वहां पे स्टार्ट करने से पहले ही मुझे अपना लॉस डिसाइड कर लेना चाहिए। मान लीजिए मैंने अपना लॉस डिसाइड कर लिया कि 60,000 मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, मैंने 2,00,000 लगाए और 60,000 मैंने अपना लॉस डिसाइड कर लिया। दोस्तों वो जो 60,000 हैं उसके अंदर मैं सीखूंगा, समझूंगा, खेलूंगा, वहां पे ये देखूंगा कि क्या होता है मार्केट में। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा लॉस हिट हो जाता है तो वहां पे हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे नहीं समझ में आई और मैं वहां शायद एग्जिट करना पसंद करूंगा, ना कि वहां पे बड़ा नुकसान उठाऊंगा। दोस्तों काफ़ी दर्शक जो कमेंट करते हैं, जो बिगनर्स हैं खास तौर पे, एक जो लेडी हैं उनका मेरे पास कमेंट आया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पास कुछ 20,00,000 रुपए थे जो कि मुझे इनहेरिटेंस में मिले थे मेरे फादर की डेथ के बाद, और उसके अंदर से मैंने 18,00,000 रुपए ऑलरेडी गवा दिए स्टॉक मार्केट में। दोस्तों ऐसे कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी दुख होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैं ऐसे केसेस में कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों काफ़ी दर्शक मदद मांगते हैं कि हमें ये लॉस रिकवर करने में मदद करिए। दोस्तों देखिए पैसा गवाना बहुत आसान है पर कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं बहुत कंजर्वेटिव निवेशक हूं, मैं एग्रेसिव कॉल्स नहीं लेता। यहां पे अगर आप बोलेंगे कि मैं 2,00,000 से आपको 18,00,000 कैसे कमाने हैं और वो भी 3 या 6 महीने के अंदर, दोस्तों कोई भी नहीं कर सकता। आप 18,00,000 रुपए 3 महीने के अंदर गवा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप 18,00,000 2,00,000 रुपए से नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट में। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। कोई भी ट्रेड लें वहां पर आप डबल कन्विंस होने चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए कि जो आप निर्णय ले रहे हैं या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बाय या सेल का वो बिल्कुल सही है। अंधेरे में तीर मत चलाइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो 10 मिस्टेक्स या 10 गलतियां जो बिगनर्स करते हैं
तो इन 10 मिस्टेक से आपको सीखने को मिलेगा और ये गलतियां आप नहीं दोहराएंगे। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें और वो भी गलतियों से सीख सकें, ताकि वो स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकें। दोस्तों इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को आप जरूर क्लिक करें, ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से विषयों के ऊपर वीडियोस देखने पसंद आए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया, आप उसे जरूर पढ़ लें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया था। इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी तरह की पोजिशन ले स्टॉक मार्केट में बाय सेल या होल्ड की। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।